अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, रिच, क्रीमी और डिलीशियस मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी। ये ट्राइफल बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही झटपट आप इसे बना सकते हैं। आप इसे ठंडा करके सर्व कीजिए, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। जैसा कि आजकल मैंगोस का मौसम है, तो इस मैंगो ट्राइफल को आप ज़रूर बनाइएगा और अपने पार्टीज़ की मेन्यू में या फिर किसी भी दावत के मौके पर आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ट्राइफल बना है। तो चलिए इस ज़बरदस्त और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो ट्राइफल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर दूध और इसमें हम ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच या फिर हसबे जायका चीनी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को हल्का करके हम इसमें मैंगो कस्टर्ड शामिल करेंगे। 4 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड को 1/2 कप मिल्क में अच्छी तरह से घोल लिया है और इसे अब हम कस्टर्ड में ऐड करेंगे। कस्टर्ड हमारा तैयार है, इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैं फ्रेश टी केक ले रही हूँ, इसको हम कट करके 1 लेयर नीचे लगाएंगे। जेली बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप पानी और इसे भी बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद मैंगो जेली का पैकेट। अच्छी तरह से हम इसे भी घोल लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पर रखना है। तो कस्टर्ड हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है रूम टेम्परेचर पे, इसे भी मैंने रखा है। तो ये हम फर्स्ट लेयर इस तरह से लगाएंगे और इसके ऊपर अब हम जेली की लेयर लगाएंगे। आराम से, एहतियात से आपने ये लेयर्स लगानी है ताकि अच्छी और ख़ूबसूरत लगे ये सारी लेयर्स। जेली की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर कटे हुए आम की लेयर लगाएंगे। 2 तरह से मैंने आम को कट किया है, इस तरह से मैंने स्लाइसेस कट किए हैं, तो ये मैं साइड्स पर लगाऊंगी और बीच में मैं क्यूब्स ऐड करूंगी। छोटे छोटे क्यूब्स मैंने मैंगो को कट कर लिया है और इसे मैं अच्छी तरह से इसके दरमियान में लगाऊंगी। तकरीबन 3 अदद मैंगोज़ मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, तो 1 लेयर मैंगोज़ की मैंने लगा दी है। और अब इसके ऊपर आप चाहें तो फ्रेश क्रीम इस तरह से फेंट कर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें व्हिप्ड क्रीम ऐड कर रही हूँ। और क्रीम में आपने चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, कंडेंस्ड मिल्क कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। फ्रेश क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा फेंट के इसके ऊपर लगा दें। अगर आप व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा फेंट कर आप इसके ऊपर इस तरह से लगा दें। सारी लेयर्स कंप्लीट करने के बाद फाइनल लेयर क्रीम की होनी चाहिए। और अब आप चाहें तो आप इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से मैंगो स्लाइसेस इसके ऊपर रख रही हूँ और साइड पर पाइपिंग बैग की मदद से मैंने थोड़े से फूल बना लिए हैं। और बस ये ज़बरदस्त सा कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल हमारा तैयार है। आप इसे अच्छी तरह से ठंडा करके सर्व करें, क्योंकि जितना ये ठंडा होगा तो उतने ही मज़ेदार लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी और डिलीशियस सी रेसिपी आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसे थम्स अप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टेस्टी, डिलीशियस और ईजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो वो में याद रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।